सोपस्टार चैनल और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गर्मियों के लिए ठंडी ठंडी मावा कुल्फी की रेसिपी, जो बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनती है, खाने में बिल्कुल मार्केट की तरह उतनी ही टेस्टी लगेगी और इसे बनाना उतना ही आसान है। तो आप इस विधि से मावा कुल्फी ज़रूर ट्राई करें और अगर ये पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए हम जल्दी से ये मावा कुल्फी बनाना शुरू करते हैं। मावा कुल्फी बनाने के लिए हमने यहाँ लिया है आधा लीटर दूध, 100 ग्राम मावा, शक्कर स्वाद के अनुसार, एक छोटा चम्मच कॉर्नफ्लो, 4 से 5 इलायची पाउडर और थोड़े ड्राई फ्रूट्स, इसे आप अपने चॉइस के अनुसार भी ले सकते हैं। और अब यहाँ पर ले लिया है मैंने एक पैन, इस पैन में ऐड कर देंगे थोड़ा सा पानी ताकि हमारा दूध तली में ना चिपके और इस पानी को सभी तरफ अच्छी तरह से फैला देंगे। और अब कर लूँगी गैस का फ्लेम मैं ऑन और अब इसमें हम ऐड कर देंगे हमारा सारा मिल्क, आधा लीटर, ये मैंने यहाँ पर फुल फैट मिल्क का यूज़ किया है, इससे हमारी कुल्फ़ी बहुत ही अच्छी बनेगी। और अब हम इस दूध को गर्म करेंगे जब तक इसमें एक उबाल ना आ जाए, तब तक हमें इसमें चम्मच वगैरह लगाने की कोई आवश्यकता। और अब हमारा दूध ज़्यादा गर्म नहीं हुआ है, इसके पहले हम क्या करेंगे, जो हमने कॉर्नफ्लो लिया है इसमें ये ठंडा मिल्क ऐड करेंगे लगभग 1 से 1.5 छोटे चम्मच और इसे अच्छी तरह से हम स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए मैंने इस कॉर्नफ्लो को अच्छी तरह से दूध में मिक्स कर लिया है और अब हम इसे एक तरफ रख देंगे अभी। और अब ये देखिए हमारे दूध में एक उबाली आ गई है, अब हम गैस का फ्लेम स्लो कर देंगे और अब हमें इसे इस तरह से थोड़ी थोड़ी देर में चलाते हुए इसकी जो मलाई कॉर्नर पे जमेगी उसे वापस से हमें इसी में मिक्स करना है और इसी तरह से हम इसे 7 से 8 मिनट के लिए अच्छी तरह से पका लेंगे दूध को। और अब ये देखिए जो मिल्क हमने कॉर्नफ्लो में मिक्स करके रखा है इसी में अब हम 6 से 7 धागे केसर के ऐड कर देंगे ताकि हमारा जो दूध का या आइसक्रीम कुल्फ़ी का जो कलर है वो बहुत ही अच्छा आएगा। तो फिलहाल हम इसे इसी तरह से छोड़ देंगे। और अब ये देखिए हमें दूध औटाते हुए लगभग 10 से 12 मिनट हो चुके हैं, हमारी दूध जो है औट के रिड्यूस हो चुका है अच्छी तरह से। और अब हमें इस स्टेज पर पहले शुगर ऐड कर देनी है, इसे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। तो अब हमें फिर से इसे एक बार शुगर डिसॉल्व होने तक इस तरह से पकाना है। और अब ये देखिए हमारी शुगर अच्छी तरह से डिसॉल्व हो गई है, मिल्क हमारा जो है वो गाढ़ा हो गया है। अब इसके बाद ये जो हमने मावा लिया है ना इसे हमें थोड़ा थोड़ा इस तरह से क्रश करते हुए इसमें हमें ऐड कर देना है। एक बार फिर से हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं, गैस का फ्लेम मैंने एकदम स्लो रखा हुआ है अभी। और अब हमें इसे 2 मिनट के लिए इसी तरह से चलाते हुए पका लेना है इसे स्लो फ्लेम पर। और अब ये देखिए अच्छी तरह से हमारा मावा भी जो है इसमें मिक्स हो चुका है, बहुत ही अच्छी उबाल आ रही है। और अब सबसे आखिरी में हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लो केसर और मिल्क का मिक्सचर। तो ये डालने के बाद ध्यान रहे कि हमें इसे कंटिन्यूसली चलाना है, अदरवाइज जो कॉर्नफ्लो होता है वो नीचे तली में जम जाएगा। ये इसमें डाल देंगे इस तरह से और अब इसे कंटिन्यू हम चलाते रहेंगे, थोड़ी सी देर चलाना है ताकि ये जो केसर का इसमें कलर है ना वो प्रॉपर आ जाए अच्छी तरह से। तो ये देखिए केसर का कलर कितना अच्छा आ गया है हमारे कुल्फी मिक्सचर में। स्टेज पर इसमें ऐड कर देते हैं हमारा इलायची पाउडर जिससे फ्लेम, और अब हमारी कुल्फी मिक्सचर बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और अब इसे पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। इसे ठंडा होने में लगभग 15 से 20 मिनट का समय आराम से लग जाता है, आप चाहें तो इसे फैन के नीचे भी रख सकते हैं। और अब ये देखिए 15-20 मिनट हो गए हैं, हमारा ये मिक्सचर ठंडा हो चुका है, अब हमें जिसमें कुल्फी जमाना है उसमें हम इसे शिफ्ट करेंगे। तो ये देखिए आइसक्रीम जमाने के लिए मैंने इस तरह के मोल्ड लिए हैं और इसे आइस ट्रे में रख दिया है ताकि ये मोल्ड हिले नहीं। तो अब हम इसमें ये हमारे जो मिक्सचर है कुल्फी का वो हम इसमें शिफ्ट कर देते हैं इसे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसमें शिफ्ट कर दिया है और अब इसके बाद मैंने लिया है इस तरह के सिल्वर फॉइल पेपर, तो इसे आप छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लें, इससे क्या होगा आइस क्रिस्टल्स इस पर जमेंगे नहीं। और इसके बाद इस पर अच्छी तरह से इस तरह से इसे ढक देंगे हम। तो ये देखिए इस तरह से लगा दिया है, इसके बाद अगर आप चाहें तो इस पर इस तरह से रबर बैंड भी कवर कर सकते हैं। तो
देखिए हमारे आइसक्रीम जमने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब इसके पहले लेंगे एक नाइफ और इस नाइफ की हेल्प से करेंगे इसमें छोटे छोटे होल, सिर्फ इतने बड़े जितने में ये आइसक्रीम स्टिक आसानी से आ जाए। अब इसे फटाफट से इसमें पिंच करते चलेंगे। हमारी जो कुल्फी है फ्रीज़र में जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे फ्रीज़र में रखेंगे लगभग 7 से 8 घंटे के लिए या फिर ओवरनाइट के लिए। हमारी कुल्फी अच्छी तरह और अब यहाँ पर मैंने एक बर्तन में पानी ले लिया है, नॉर्मल वाटर है ये। और अब हमें क्या करना है, ये जो हमारे कुल्फी का जो मोल्ड है इसे हमें इस पानी में डीप करना है, ज़्यादा नहीं, बस 10 से 15 सेकेंड के लिए इस तरह से। और अब हम इसका रबर बैंड हटा देते हैं। देखिए बहुत ही अच्छी हमारी आइसक्रीम जमकर तैयार हुई है। तो ये देखिए वाव, बहुत ही अच्छी हमारी कुल्फी जमकर तैयार हुई है, लवली। और अब इस पर ये जो हमने ड्राई फ्रूट्स रखे थे इसे इस तरह से आप गार्निश करके इसे सर्व करिए। ये देखिए, तो ये आइसक्रीम हमारी जो कुल्फी है बहुत ही स्पीडली पिघलती है, इसलिए जैसे जैसे आपको इसे सर्व करना हो वैसे वैसे ही इसे निकाले। तो अब मैं एक और कुल्फी इसमें से निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए हमारी बहुत ही टेस्टी मावा कुल्फी बनकर बिल्कुल तैयार है। तो आप भी इसी विधि से इसे ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।